हम स्टार्ट करेंगे जी। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। सीपीयू शेड्यूलर हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहलाता है और सीपीयू शेड्यूलर भी कहलाता है। सीपीयू का वो हिस्सा जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उस वक्त सीपीयू जो होता है वो किस तरह से अपने प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है कि किस प्रोसेस को मैंने कब एग्जीक्यूट करना है, इसके डिफरेंट तरीके हैं। तो ये पार्ट जो काम कर रहा होता है उसे हम सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं। सीपीयू डिस्पैचर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कर्नल मॉड्यूल है जो कि सीपीयू को स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस। एक प्रोसेस के पास सीपीयू मौजूद था लेकिन अब उसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने जो है वो किसी और प्रोसेस को शेड्यूल कर लिया है, तो डिस्पैचर का काम है कि सीपीयू के कंट्रोल को ट्रांसफर करना फ्रॉम करंट प्रोसेस टू दैट प्रोसेस विच हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर शेड्यूल्ड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसके अंदर वो तीन काम करता है, स्विचिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, उसने एक को छोड़ के दूसरे पे जाना है तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो काम होता है वो ये होता है कि करंट प्रोसेस की तमाम स्टेट्स को सेव किया जाता है और नए प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्विचिंग टू यूजर मोड, ठीक है, यूजर मोड के अंदर आपका सिस्टम चला जाता है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन यूजर प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम की उस लाइन ऑफ कोड पे चला जाता है जहां से उसने इसको रीस्टार्ट करना होता है जी। ठीक है, एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस तक जाने में जो टाइम लगता है डिस्पैचर को, इसे डिस्पैचर लेटेंसी कहते हैं। जितनी भी शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं इनमें दो तरह की शेड्यूलिंग हो सकती है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव ऐसी शेड्यूलिंग है जिसके अंदर जब सीपीयू एक प्रोसेस को रन कर रहा होगा तो दूसरा प्रोसेस अगर आ जाता है तो सीपीयू को स्टॉप किया जा सकता है और दूसरा प्रोसेस उसे असाइन किया जा सकता है, ये प्रीएम्प्टिव है। और यानी आप इसको कह दें अनब्लॉक्ड है ये। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है, ये ब्लॉक मोड के अंदर सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। जब एक सीपीयू नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कर रहा होता है तो उसके अंदर जो जो प्रोसेस शेड्यूल हो गया है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त तक सीपीयू जो है वो रिलीज नहीं होगा। ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोचेज हैं, ये तमाम किस्म के एल्गोरिदम्स के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा एल्गोरिदम जो है वो इसको करता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। जहां से हमने स्टार्ट करना था वो ये था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम से ही जाहिर है, इसमें आपको जो बातें एज अ पीपीएससी जॉब या एज अ एमसीक्यूज टाइप आपको याद होनी चाहिए। नंबर वन तो ये सिंपल है, जो पहले आता है उसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, गैंट चार्ट की मदद से हम इसको शो करते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और एवरेज टाइम इसका कैसे कैलकुलेट करना है। ये पी वन का आपके पास प्रोसेस था, ये पी टू था, ये पी थ्री था। पहले पी वन आया उसको उसने सर्विस कर दिया, फिर टू आया उसे एग्जीक्यूट कर दिया, फिर थ्री आया तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया। पी वन को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा और इसी तरह पी टू का जो टाइम होगा और पी थ्री का टाइम जो है ना वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पी वन को 24 टाइम यूनिट्स चाहिए और इसको थ्री और इसको थ्री, तो आप देखें पी टू को कितना वेट करना पड़ेगा 24, पी थ्री को कितना वेट करना पड़ेगा 24, और थ्री कितना हो जाएगा 27, और पी वन को कितना वेट करना पड़ेगा, इसे जीरो वेट करना पड़ेगा। यानी पी वन का वेटिंग टाइम जीरो है, पी टू का वेटिंग टाइम 24 है, पी थ्री का वेटिंग टाइम जो है वो 27 है। तो अब आप जीरो, 24 और 27 तमाम को जमा करके तीन पे डिवाइड करेंगे तो ये 17 एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। इस तरह से आपने इसको चूज करना है। अगर प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट रूटीन में आते हैं, फर्ज करें पी थ्री पी टू वन की तरह आ गए तो फिर आप देखें कि इसका रिस्पांस टाइम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पी टू आया ये 3 सेकंड का था तो पी थ्री को 3 सेकंड वेट करना पड़ा, ठीक है, और इसी तरह उसको 6 सेकंड, तो ये हमारे पास एवरेज वेट टाइम जो है वो इसका हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर एक इफेक्ट आता है जिसे हम कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। कॉन्वे occurs when short process wait behind. एक short process जो था वो long process के पीछे लग गया। अब short process 2 सेकंड का process service होने के लिए आया लेकिन उससे पहले एक
20 सेकंड का, ये सेकंड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है सीपीयू की स्पीड जो है वो सेकंड्स में नहीं, पता नहीं नैनो माइक्रो कितने सेकंड्स में होती है, ठीक है। तो 2 सेकंड उसका कब टाइम था, लेकिन वो उसे प्रोसेसिंग करने के लिए जो है वो 20 सेकंड वाले का वेट करना पड़ा। तो ये जो इफेक्ट होता है इसे हम कॉनवॉय इफेक्ट जो है ना वो कहते हैं, ठीक है जी। लाइव वीडियो सारी सेव होती हैं जी, आप जब चाहें इनको बाद में जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। हाँ जी, और उसके बाद आप देख लें जी कि हमारे पास आ गया ये बातें याद हो गई जी। इसके बाद आपके पास अगली शेड्यूलिंग टेक्निक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये सीपीयू बस्ट को मद्देनजर रखती है कि जिस सीपीयू की देखें एल्गोरिदम एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ लेटर्स नेक्स्ट, जो आने वाला नेक्स्ट है यानी एक प्रोसेस आपका शुरू हो गया उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा जिसका सीपीयू बस्ट टाइम जो है वो कम होगा। सीपीयू बस्ट टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का जो डिसएडवांटेज है या जो रियल डिफिकल्टी है इसके अंदर वो यही है कि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस की लेंथ ऑफ सीपीयू को रिक्वेस्ट करने का कोई मेथड नहीं है। जिस मेथड के जरिए किया जाता है उसे अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है, ठीक है, यानी इसके लिए नो वे टू लेंथ ऑफ नेक्स्ट। तो इसीलिए बाज़ूकात इसे हम अप्रॉक्सीमेट SJF शेड्यूलिंग भी कहते हैं। होता है इसमें क्या है, ये दो तरह से यूज होता है जी, एक प्रीएम्प्टिव होता है एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव में अब क्या फर्क है, एक प्रोसेस जो है देखें जी, द चॉइस अराइजेज व्हेन, मतलब हुआ क्या, द न्यू प्रोसेस मे हैव शॉर्टर। अब एक प्रोसेस जो है ना वो रन हो रहा है और एक नया प्रोसेस आ गया, जो रन हो रहा है उसे अभी कंप्लीट होने में 4 सेकंड है लेकिन जो नया आया है उसके वो 1 सेकंड उसे चाहिए, तो अब क्या करेगा। अगर तो ये प्रीएम्प्टिव होगा तो सीपीयू जो है वो उसे स्टॉप करके इसे उसे एलोकेट कर देगा, ठीक है, प्रीएम्प्टिव यानी उसे रोक लेगा। लेकिन अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होगा तो बेशक वो 1 सेकंड का है तो उस सूरत में उसे किसी भी तरीके से जो है ना वो नहीं रोका जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि जो जॉब जो है वो रन हो रही है वो कंप्लीट होगी तो सीपीयू को जो है ना वो रिलीज किया जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन टेक्निकल है, जरा देखें, जब शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिदम को उसे कैलकुलेट किया जाता है तो उस वक्त इनका अराइवल टाइम बड़ा काउंट करता है। P1 है ये 0.0 पे आया और इसका टोटल टाइम था 7, जैसे ही 2 सेकंड गुजरे, 2 सेकंड ये आया ना, ये तो प्रोसेस होना शुरू हो गया क्योंकि 0.0 सेकंड पे तो कोई भी नहीं था। जैसे ये आया उस वक्त इट वॉज द ओनली प्रोसेस इन रेडी क्यू, तो सीपीयू ने इसे सर्विस शुरू कर दिया। 2 सेकंड जब गुजर गए तो उसके बाद जो है ना वो P2 आ गया। अब P2 यहाँ पे इसे चाहिए 4 बस्ट टाइम, जबकि ये इसको अभी 5 रहते हैं क्योंकि 2 यूनिट हो गए हैं, लेकिन अभी ये 7 चाहिए था, 5 इसको रहते हैं ना, इसके 4 हैं इसके 5 हैं, तो इसलिए क्या होगा, फौरन P1 को प्रीएम्प्टिव मोड के अंदर काम करते हुए रोक दिया जाएगा और P2 जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। अब P2 जो है ये काम कर रहा है, इसका 4 सेकंड चाहिए थे, लेकिन जब 4 सेकंड हुए यानी 2 पे ये आया और 4 सेकंड जब हुए तो उस वक्त क्या हुआ, 4 सेकंड पे एक और प्रोसेस आ गया P3, उसे 1 चाहिए था। यहाँ पर कैलकुलेट किया गया कि जो P2 है इसके दो जो बस्ट टाइम है ये 2 सेकंड बाकी रहता है और P1 का 5 सेकंड रहता है और जो 4 है इसका तो है ये 1 सेकंड, इसका 2 है इसका 1 है, तो चूंकि ये प्रीएम्प्टिव मोड में काम कर रहा है तो इस P2 को भी रोक दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो P3 को एलोकेट कर दिया जाएगा। इसका जरा गैंट चार्ट आप देखें जी, P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो जैसे ही P3 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके बाद P2 को और उसके बाद जो है वो P4 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। ये बातें थोड़ी सी जहन में रखते हुए अब आप इसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जी जो P1 था उसे तो कोई नहीं लगा, 0 का 0 हुआ, लेकिन जो P2 था उसे आते वक्त उसे 6 सेकंड वेट करना पड़ा, P3 को जो है वो 3 सेकंड वेट करना पड़ा और जो P4 था उसे 7 सेकंड वेट करना पड़ा। तो इन सबको सेकंड जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये यूनिट टाइम की बात हो रही है, जिस सीपीयू का जो यूनिट टाइम होगा यहाँ पर वो चीज कैलकुलेट होगी। तो एवरेज देखें, टाइम यूनिट्स इसका मतलब हो गया, टोटल प्रोसेस 4 हैं तो 4 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना ये 4 टाइम यूनिट एवरेज टाइम आ जाएगा, किसका, जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की विद प्रीएम्प्टिव अप्रोच।
ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि आपके पास आ गया जी शॉर्ट टर्म प्रीएम्प्टिव के बाद आपके पास यही देखें जी, व्हेन वी इलस्ट्रेट एसटीआरएफ जॉब बाय यूजिंग स्टेट शोन। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी P1 आया, आते ही उसको P2 मिल गया, P2 के बाद P3 मिल गया। फिर ये उस सूरत में है जो मैंने आपको पहले समझाई। एक सूरत इसकी शॉर्टेस्ट रिमेन टाइम है, उसके हिसाब से आपके पास P1 आया, P1 के बाद कौन सा आएगा, जब P1 7 सेकंड तक मुकम्मल हुआ, देखिए ना P1 आया उसका जब 7 सेकंड तक मुकम्मल हुआ तो ये 2 पे आया, ये 4 पे आया, ये 5 पे आया, तो 3 आ चुके थे, 3 में सबसे छोटा P3 था, तो आप देखें कि P3 जो है ना वो रन हो गया। P3 के बाद छोटा P2 था और उसके बाद P4 था। ये जो एग्जीक्यूशन है ये हुई है नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्ट टर्म जॉब शेड्यूलिंग के हिसाब से। इसमें जो था उसने कंप्लीट किया, उसके बाद देखा गया कि उनमें से सबसे कम कौन सा है, वो है। ये जो है ये हुई है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के साथ, ठीक है। इसको हम नॉन प्रीएम्प्टिव भी कहते हैं। जब नॉन प्रीएम्प्टिव अप्लाई किया जाता है तो ये बन जाती है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी P1 चल रहा था, 2 सेकंड बाद P2 आया, तो उसने देखा कि P2 को थोड़ा टाइम चाहिए, P2 को मिल गया। ये अभी चल रहा था तो P3 आ गया, चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में चल रहा था, तो इसने जनाब इसे P2 को सस्पेंड किया और P3 चलना शुरू हो गया। P3 के बाद जो बाकी थे, जब P3, अभी तो P4 आया ही नहीं था, तो P3 जब कंप्लीट हुआ तो P1 और P2 में से P2 को कम टाइम चाहिए था, फिर P2 रन हो गया। P2 के बाद फिर P4, और P1 जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो सबसे लास्ट के ऊपर जो है ना वो कंप्लीट होगा। मैं आपको एक चीज इसकी एग्जांपल जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ, और ये रूटीन की एग्जांपल है आपकी, आप लोगों ने ये एग्जांपल करके देखी होगी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है। इस वक्त विंडोज के अंदर जो कॉपी पेस्ट का अमल होता है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट के हिसाब से होता है। अगर आप हम बात करें शॉर्टेस्ट के बाद, जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है शेड्यूलिंग टेक्निक का, वो है हमारे पास, अच्छा इसमें एक टर्म आती है एजिंग की, बिल्कुल सही आ गया जी, ठीक है। ये जो है ना प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आ गया जी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो हमारी रेडी क्यू होती है ना, ये प्रायोरिटी क्यू में चेंज हो जाती है, और इसके अंदर हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर जो है ना वो एसोसिएट कर दिया जाता है। अगर तो वो नंबर छोटा है तो उसका मतलब है उसकी प्रायोरिटी हाई है, और अगर वो नंबर बड़ा है तो उसका मतलब है प्रायोरिटी छोटी है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी होती क्या है, बेसिकली ये नेक्स्ट प्रेडिक्टेड सीपीयू बस्ट टाइम होता है, यानी पिछले एल्गोरिदम के अंदर जो है वो सीपीयू को बस्ट करने के लिए, सीपीयू बस्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कोई एल्गोरिदम मौजूद नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये एल्गोरिदम साथ में ऐड कर दिया गया है, और इस एल्गोरिदम की मदद से हम नेक्स्ट बस टाइम और इसको एज अ प्रायोरिटी जो है वो साथ जोड़ दिया जाता है। जिसका बस टाइम ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी जॉब है, तो उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। तो ये भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों में चलता है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, जिसे इनडेफिनिट ब्लॉकिंग कहते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो तो हमेशा का हमेशा जो है वो क्यू में बैठा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। कम प्रायोरिटी वाले जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और ज्यादा प्रायोरिटी यानी क्यू में प्रोसेस आ गया, उसकी प्रायोरिटी जो पहले पड़ा हुआ था उससे ज्यादा थी वो एग्जीक्यूट हो गया, अभी उसकी बारी आनी थी कि 2 प्रोसेस और आ गए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो लिटरेचर में मिलता है कि IBM 7094 एट MIT लेबोरेटरी 1973 के अंदर ये चीज देखी गई थी, कि इसके अंदर एक प्रोसेस पड़ा हुआ है जो 1967 से इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही लो प्रायोरिटी जो है ना वो था। तो यहाँ से ये इनडेफिनेट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन, दो नाम है इसके, ये प्रॉब्लम जो है ये सामने आई थी इनडेफिनेट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन के नाम से, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन फिर है, उस प्रॉब्लम का सलूशन एजिंग के नाम से है। एजिंग एजिंग क्या है, इज अ सलूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट और लो प्रायोरिटी प्रोसेस। होता गया है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना उनकी प्रायोरिटी को कम कर दिया जाता है, ताकि और जिनकी टाइम जो है वो जैसे जैसे एक मखसूस टाइम रख लिया जाता है कि इतने टाइम के बाद जो है ना
जो लॉन्ग वेटिंग है उसकी प्रायोरिटी को रेज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और दूसरे की प्रायोरिटी को कम कर दिया जाएगा, तो ताकि उसकी बारी आ जाएगी। तो कोई भी प्रोसेस कभी भी स्टारवेशन या इनडेफिनेट ब्लॉकिंग का हिस्सा नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेड्यूलिंग टेक्निक्स आती है वो आती है हमारे पास राउंड रॉबन शेड्यूलिंग जी। राउंड रॉबन शेड्यूलिंग जो है ये इम्प्लीमेंट होती है एक रेडी क्यू के जरिए, जिसे सर्कुलर क्यू बना दिया जाता है। होता क्या है कि जितने भी रेडी क्यू में प्रोसेस होते हैं, एक टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस, एक छोटा सा यूनिट ऑफ टाइम जो है ना बना लिया कि जी हर प्रोसेस को सीपीयू जो है वो एक सेकंड के लिए जो है ना वो असाइन होगा, और एक सेकंड के अंदर जो है ना वो उसे प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो P2 पे चला जाएगा, P2 के बाद P3, P4, P5, P6, इस तरह घूमता हुआ फिर P1, और राउंड रॉबन वे में वो इस तरह से तमाम को सर्विस करता जाएगा। इससे क्या होगा, जाहिर है जो लंबे प्रोसेस हैं वो ऑटोमेटिकली देर से खत्म हो जाएंगे, जो छोटे प्रोसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, होता इसमें क्या है कि ये जो टाइम क्वांटम होता है ना, ये बड़ा अहम होता है, ये जो टाइम स्लाइस होता है इसको आप किसी भी हवाले से जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, सीपीयू बस टाइम जो, अब जब इसे एक सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस को रन कर रहा होता है, तो उस वक्त वो चेक करता है कि इसका जो रिमेनिंग टाइम है ना वो 1 क्वांटम टाइम से कम है या ज्यादा है। अगर तो कम होता है ना तो वो वॉलंटरीली उसे छोड़ देता है, चलें ठीक है जी नेक्स्ट दफ जब मैं आऊंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉन्गर होता है तो फिर उसे आगे से आगे इस तरह ये चलता रहता है, और बगैर इंटरप्शन के जो है ना वो हो जाता है। इसका जो एवरेज वेट टाइम होता है राउंड रॉबन का, ये बाकी तमाम टेक्निक से लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस जो है वो शेयर हो रहा होता है तमाम के साथ, और इसकी लॉजिक यही है, अगर आपका क्वांटम टाइम बड़ा होगा तो आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थोड़ी होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस के बाद दूसरे, प्रोसेस नंबर 1 पे किया, फिर उसके बाद प्रोसेस 2 पे गया, फिर प्रोसेस 3, 4, 5, ये देखें 10 आपके पास प्रोसेस हैं, समझ आ रही है, फर्ज करें 10 हैं, आपका क्वांटम जो है वो एक सेकंड का है, तो कितने स्विच करने पड़ेंगे आपको, 9 करने पड़ेंगे। अगर आपका क्वांटम ज्यादा बड़ा है तो आपके स्विचेस जो हैं वो 0 होंगे। क्वांटम बड़ा है मतलब 4 सेकंड का या 12 सेकंड का एक क्वांटम है, तो 12 सेकंड में तो कोई भी प्रोसेस जो होता है ना वो 12 सेकंड से पहले ही जो है ना वो, यानी P1 को मिला उसका टाइम 3 सेकंड था, वो तो 12 से पहले ही हो गया, तो वो भी हल हो गया, P2 पे आ गया, 3 पे आ गया, इसी तरह वो क्यू में चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्वांटम को छोटा करते जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बढ़ते चले जाएंगे, तो ऑन नोट और लिटरेचर में जो रिपोर्ट किया गया कि जो अच्छा टर्न अराउंड टाइम मिलता है, यानी वो जब क्वांटम का साइज 6 आर ग्रेटर होता है। अब ये 6 क्या है, ये 6 सेकंड्स नहीं है, ये यूनिट टाइम है उस प्रोसेसर का जो भी उस दौर में था, यानी जब पुराने दौर में था तो जो उसकी स्पीड थी उसके हिसाब से 6 था, जो आज के दौर में सीपीयू है उसके हिसाब से जो है ना ये 6 होगा। तो ये हमारे पास है राउंड रॉबन टेक्निक जी। राउंड रॉबन टेक्निक के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है जी वो है हमारे पास रखा प्रायोरिटी है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है जी। ये भी एक बड़ा अहम है जी, एक अनदर क्लास ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मल्टी लेवल क्यू में क्या होता है, हमें पता होता है कि जब हमारी विंडोज चल रही होती है, मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये हमारी विंडोज है और ये विंडोज के अंदर इस वक्त चलने वाले प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इन प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है। जैसे ये इस वक्त मेरे पास स्काइप चल रहा है, तो स्काइप को मैंने यूज ही नहीं किया तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह कुछ प्रोसेसेस हमारे पास एक्टिव होते हैं और कुछ प्रोसेसेस हमारे पास फोरग्राउंड होते हैं, कुछ बैकग्राउंड होते हैं। इसकी ज्यादा अच्छी मिसाल आपने देखी होगी आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में ना मौजूद होती है, कि आपके पास कुछ प्रोसेस जो हैं वो आपके पास फोरग्राउंड होते हैं और कुछ आपके पास जो है ना वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके लिए नई टेक्निक आई कि जो फोरग्राउंड हैं उनको जाहिर है ज्यादा प्रोसेसर चाहिए होता है, बैकग्राउंड वालों को जरा कम चाहिए होता है। ये नाम याद कर लीजिएगा, फोरग्राउंड को इंटरएक्टिव भी कहते हैं, बैकग्राउंड को बैच कहते हैं। ठीक है, फोरग्राउंड को जो है ना वो ज्यादा सीपीयू चाहिए होता है, ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए होती है, बैकग्राउंड को जो है ना वो लॉन्ग टाइम होती है, इनका प्रोसेसिंग टाइम बड़ा होता है। इसलिए तो उन्होंने क्या किया कि जो रेडी क्यू है ना
जिसके अंदर प्रोसेस आते हैं उसको डिवाइड करके सेवरल सेपरेट क्यूज के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है, यानी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है। आपकी रेडी क्यू जिसमें प्रोसेस जो है वो रेडी पड़े होते हैं प्रोसेस होने के लिए, उन तमाम प्रोसेसेस में उनको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की बुनियाद के ऊपर और भी काफी सारी बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो शेड्यूलिंग में चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद 80% जो है ना वो फोरग्राउंड के साथ और 20% जो है वो बैकग्राउंड के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद के ऊपर एग्जीक्यूशन की जाती है। ये देखें जी, ये आपके पास डिफरेंट क्यूज हैं। सबसे नीचे स्टूडेंट प्रोसेसेस होते हैं। स्टूडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं जी, ये आपने डेफिनेशन खुद पढ़ लेनी है, मेरे इस वक्त ये बिल्कुल जहन में नहीं है। बैच प्रोसेसेस होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस और सिस्टम प्रोसेस। तो जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी इनकी होती है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं आपकी क्यू के, उसी हिसाब से इनमें से जो जो ये ज्यादा डार्केस्ट कलर हैं और ये है ना, ये सारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को जो है ना वो तशबीह दे रहे हैं कि ये फोरग्राउंड है और ये सारे के सारे बैकग्राउंड। तो इस हिसाब से मल्टी लेवल शेड्यूलिंग टेक्निक भी इसके अंदर जो है ना वो यूज की जाती है जी। मल्टी लेवल क्यूइंग जो टेक्निक है, इसमें एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करना होता है, और एक बड़ा अहम इसके अंदर है जो स्टारवेशन वाला पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि जी एक प्रोसेस ऐसा होता है जो हमेशा स्टारवेशन में चला जाता है या इनडेफिनेट ब्लॉकिंग का शिकार हो जाता है, वो मसला भी इसमें कोई नहीं है, एजिंग वाला मसला भी इसमें कोई नहीं है। लेकिन मल्टी लेवल क्यू जो होता है, इसके शेड्यूलर को ये पांच चीजों का पता होना चाहिए। नंबर वन, तो उसे पता हो कि टोटल क्यूज कितनी है, उसे ये पता हो कि हर क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। ये बात भी मैं बताना भूल गया, जितनी क्यूज होंगी उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिफरेंट होगा। कोई FCS पे काम कर रही है, कोई राउंड रॉबन पे काम कर रही है, जो भी है तमाम का अपना है। उसके बाद उन्हें अच्छा, इनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त होती है कि जो प्रोसेस होते हैं ना वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, और वो हाई प्रायोरिटी से लो की तरफ भी जा रहे होते हैं और लो से हाई की तरफ भी जा रहे होते हैं, यानी वो डिमोट भी हो रहे होते हैं और वो प्रमोट भी हो रहे होते हैं। इसी वजह से स्टारवेशन जो है ना इसके ऊपर असर नहीं करती। स्टारवेशन तो उस सूरत में आएगी ना जब एक प्रोसेस की बारी नहीं आती, वो इनडेफिनेट ब्लॉकिंग में चला जाता। तो इस स्टारवेशन को दूर करने के लिए ये टेक्निक भी इसके अंदर जो है ना वो रखी गई है। ये है मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग शेड्यूलिंग टेक्निक है। बाकी इसके ऊपर ये देखें उसने क्या बताया हुआ है कि जो सबसे डाउन वाली है उसके ऊपर FCFS लगा हुआ है, उससे ऊपर जो है उसके ऊपर राउंड रॉबिन लगा हुआ है लेकिन उसमें क्वांटम 16 है, और जो टॉप पे है उसके ऊपर भी राउंड रॉबिन लगा हुआ है एल्गोरिदम और उसका क्वांटम जो है वो 8 है। तो मैंने ये कहा जितने लेवल की क्यूज है तमाम के ऊपर डिफरेंट किस्म की, यानी क्या जबरदस्त हुआ इसके अंदर के सारी जो टेक्निक्स हैं, यानी क्यू को डिवाइड कर दो प्रोसेसेस की इंटरेक्शन के हिसाब से, और उसके बाद जो एल्गोरिदम जिस टाइप के प्रोसेस के लिए बेस्ट है वो उसके ऊपर जो है ना वो लगा दिया जाए। ये इसकी जो है ना वो आप कह लें फिलॉसफी है इसको इस्तेमाल करने की। ठीक है जी, ये थे जी हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कर्नल एंड यूजर मोड हमारे पास क्या होता है जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है जी। इसके लिए मैंने इसको सर्च किया था और ये मैं आपको लेके चलता हूँ जी कहाँ पर, ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जी, कि यूजर और कर्नल मोड क्या होता है। ये आपके पास है जो एप्लीकेशन जहाँ पे रन हो रही होती है, ये वाला आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा यूजर मोड कहलाता है, और जहाँ पे आपका असल रूट चल रहा होता है। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, हमें पता है कि इसका एक मेरा ख्याल है यूजर मोड होता है और एक इसका रूट मोड होता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जब तक हम रूट मोड में नहीं जाते वो चलती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज जो है ना वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी मौजूद है कि द सिस्टम इज इन यूजर मोड व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग ए यूजर एप्लीकेशन सच एज हैंडलिंग ए टेक्स्ट एडिटर, वीडियो प्लेयर, जो भी है। जब एक यूजर एप्लीकेशन रन हो रही है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड में काम कर रहा है, लेकिन जब आपका बूट कर रहे हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है जब, या कोई और भी ऐसी टास्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कर्नल मोड के अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। जैसे सीपी अगर हम बात करें सर्वर मशीन की, तो सर्वर मशीन जो है वो ज्यादातर कर्नल मोड के अंदर काम कर रही होती है, और जो क्लाइंट मशीन होती है वो आमतौर पर ज्यादातर यूजर मोड के अंदर काम कर रही होती है। ठीक है जी, अगर यूजर मोड के अंदर रहते हुए उसे कोई जरूरत पड़ती है कि वो जाना चाहता है, स्विच करना चाहता है कर्नल मोड के अंदर,
तो उसका तरीकेकार क्या है कि सिस्टम कॉल्स को यूज किया जाएगा, सिस्टम कॉल्स के जरिए ट्रैप जनरेट किए जाएंगे, वो ट्रैप बन के जाएगा कर्नल मोड के पास, और कर्नल मोड जो है उस सिस्टम कॉल को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है जी। जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा तो उस तरह यूजर मोड जो है वो कर्नल में गया, कर्नल से वापस फिर जो है वो यूजर मोड के अंदर वापस आ जाएगा। मजीद कहीं से आपको इसकी कोई तफसील पड़े तो आपने इसको पढ़ लेना है जी, समझ आ गई जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास प्रोटेक्शन, को फिलहाल मैं नहीं टच कर रहा, ये सारी चीजें इकट्ठी हैं, प्रोटेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन। पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हमने कल भी पढ़े थे या लास्ट लेक्चर में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। जब एक से ज्यादा प्रोसेस मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग में चल रहे होते हैं तो उस वक्त इन प्रोसेसेस का आपस में एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो कोऑपरेट करने की चार ऑप्शंस हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? मॉड्युलैरिटी, हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सब टास्क के अंदर और छोटे प्रोसेसेस में मिलाकर करना चाहते हैं, और वो प्रोसेस आपस में कुछ चीजें शेयर करेंगे, कोई मैसेज पासिंग करेंगे, एक तो मॉड्युलैरिटी के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस जो होते हैं वो एक ही इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसको आप ऐसे समझें जैसे आपके पास सर्वर के ऊपर एक डाटा पड़ा हुआ है और बाकी क्लाइंट्स जो हैं वो उसी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो वो तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के तौर के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा कन्वीनियंस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और चौथी चीज है कंप्यूटेशनल स्पीड अप। जब आप एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते हैं और टास्क और सब टास्क को पैरेलल अगर आप रन कर लेते हैं, कंकरेंटली रन करते हैं, तो तब भी ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस के जुमरे में आता है। तो असल में मसला ये है कि आज का हर ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन के आपके मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ही प्रोसेस के, एक आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी अगर आप देखें तो आपकी आपकी जो एड्रेस बुक है वो शेयर हो रही है व्हाट्सएप के अंदर भी, आपके फोन के अंदर भी, आपके और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस एट द टाइम साइमल्टेनियसली आपके मोबाइल में रन हो रही होती हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही होती हैं। कोऑपरेट से मुराद क्या है कि जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ किसी भी लेवल पे डाटा को शेयर कर सकता है या उसके रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हवाले से। अगर कोई प्रोसेस ऐसा है कि जो ना तो इफेक्ट होता है किसी दूसरे के रन होने से, ना इफेक्ट करता है किसी दूसरे को रन करने से, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाता है। और इसके उल्ट जो किसी दूसरे के रन होने से भी इफेक्ट हो सकता है या किसी दूसरे को इफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। कोऑपरेटिंग प्रोसेस के जो हमारे पास मेथड्स हैं, नंबर वन, ये कोऑपरेट करते हैं बाय शेयरिंग। ये एक शेयर डाटा है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू दोनों को शेयर कर रहे हैं। दूसरा करते हैं बाय कम्युनिकेशन। पी वन को कोई डाटा चाहिए तो वो पी टू से ले लेगा, पी टू को चाहिए तो वो ले लेगा, लेकिन इन दोनों की जो कम्युनिकेशन होगी ये अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कर्नल होगी, ये खुद से डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको याद होगा हमने तीन किस्म की प्रोटेक्शन पढ़ी थी। एक प्रोसेस जब हम लोड करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम उस पर सीपीयू प्रोटेक्शन लगाते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन लगाते हैं और मेमोरी प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो चूंकि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इन प्रोटेक्शंस के अंडर रहते हुए ये काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है ना वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी, उमर हमीद साहब, इट्स नॉट पॉसिबल कि आज एंड हो जाए, 34 मिनट का सेशन हो गया है, आपने थोड़ा लेट शायद ज्वाइन किया है। मुश्किल है जी, मेरे लिए तो एंड करना मुश्किल है क्योंकि पूरी बुक कैसे पढ़ाई जा सकती है, या आधी बुक, बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका। लेकिन कल मैं वादा करता हूँ कि कल मैं इसको जो है ना वो जरूर खत्म कर दूंगा जी, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। असल में कोऑपरेटिव प्रोसेस तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, असल में मैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है ना वो आपसे डिस्कस करना चाहता था कि प्रॉब्लम्स इसे जो है ना वो कौन कौन सी आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। असल मेन टॉपिक ये है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, मींस सम रिसोर्सेज बाय प्रोसेसेस इन अ सच ए वे that concurrent access to shared data is handled
thereby minimizing the chance of inconsistent data. ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास ये है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस आपकी मेमोरी में चल रहे हैं, उसके अंदर डाटा भी शेयर है, रिसोर्सेज भी शेयर है, तो उस रिसोर्सेज को और उस डाटा शेयरिंग को आपने इनकंसिस्टेंट होने से बचाने के लिए जिस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है उसे हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। देखें जरा हमारे सिलेबस के अंदर ये सिंक्रोनाइजेशन है। इस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए वापस जाते हैं हम अपने हैंडआउट्स के ऊपर और इसमें लेक्चर नंबर जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी, कंकरेंट प्रोसेस हैं, नीड एक्सेस टू शेयर डाटा है, इनकंसिस्टेंसी से हम बचना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, लिहाजा कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को इस तरह हम एग्जीक्यूट करेंगे और इस सारे प्रोसेस को हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबसे पहली एरर और प्रॉब्लम जो है इसको रेस कंडीशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। इसमें होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डाटा, एक ही डाटा है उसको एक से ज्यादा प्रोसेस जो है ना वो शेयर करते हैं कंकरेंटली एक ही वक्त में, एंड द आउटकम ऑफ मैनिपुलेशन और उसकी जो आउटकम आएगी डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर, और उसकी जो आउटपुट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर डिपेंड करती है, ऐसी कंडीशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। समझ आ रही है, मसलन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की अगर हम मिसाल ले लें जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एक प्रोसेस है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर भी एक वेरिएबल R1 को यूज करता है, कंज्यूमर भी एक वेरिएबल को यूज करता है, लेकिन इसकी तरतीब क्या है कि प्रोड्यूसर जो है पहले R1 को यूज करेगा, कंज्यूमर उसके बाद R1 को जो है ना वो यूज करेगा। जब इस तरह की कंडीशन आती है, एक और जबरदस्त एग्जाम्पल इसमें है, एटीएम मशीन और आपका बैंक अकाउंट एट द सेम टाइम आपके बैलेंस को यूज कर रहा होता है। ठीक है, एटीएम की ट्रांजैक्शन भी होती है और आपके अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वहां पर भी ऑर्डर जो है ना वो पहले मैटर करता है। अगर एटीएम की रिक्वेस्ट और आपके चेक की रिक्वेस्ट इकट्ठी जाती है सर्वर के पास, तो उनका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि पहले एटीएम की जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलोअप किया जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से जो है ना वो चेक जो है वो कैश होगा। यानी दीज कंडीशंस आर कॉल्ड रेस कंडीशंस और ये पहली प्रॉब्लम है जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में आती है। इसको सॉल्व करने के लिए ये मिसाल वो बैलेंस वाली आ गई जी। सबसे पहला जो इसका सलूशन है वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि आपके कोड के अंदर एक हिस्सा ऐसा है, ए पीस ऑफ कोड इन अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन विच प्रोसेस में अपडेट एंड शेयर डाटा, जहां पर वो डाटा को शेयर करता है या अपडेट करता है। ठीक है, उस हिस्से को एक वक्त में एक से ज्यादा लोग जो हैं, मुबशर अली कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती लाइव स्ट्रीमिंग की, अगर हमने लाइव चलाना हो तो मगरब के बाद आ जाते हैं वरना रिकॉर्डेड सेशन भी हो जाते हैं, बहरहाल ये चलता रहता है ये सिलसिला। उसके बाद देखें जी, क्रिटिकल सेक्शन आपका वो हिस्सा है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस। मैं ना एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि शायद आपको अंदाजा हो जाए जी। ठीक है, ये देखिएगा जी, ये हमारे पास, ये मेरे पास पूरा कोड है आपका और इसके अंदर जो है ये आपका एक पूरा कोड है जी। ठीक है, उसके बाद इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ये वो लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर आपका शेयर्ड डाटा जो है ना वो एक्सेस होता है और मैनिपुलेट होता है। यानी ये बैंकिंग ऐप का जो कोड है ये वाला वो पोर्शन है और ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है कि इसको एक ही वक्त में कितने ही प्रोसेस जो है ना वो इसे शेयर कर रहे होते हैं जी। ठीक है, ये देखिए, ये भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है और ये भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये वो सेक्शन है जो शेयर डाटा के, ये चार स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम का ये वाला सेक्शन जो है ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब अगर एक ही वक्त में यहाँ से सिस्टम कॉल आ गई, यहाँ से आ गई कॉल, यहाँ से कॉल आ गई, तो इसमें एक ऑर्डर होता है, ये एक ऑर्डर के तहत इन्हें काम करना चाहिए,
इनके दरमियान एक ऑर्डर मौजूद है, अगर ये अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसकी आउटडेटेड वैल्यू या इनकंसिस्टेंट वैल्यू जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसके लिए फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जी, इसमें इसका एक एंट्री सेक्शन होता है, एक रिमाइंडर सेक्शन होता है। ये क्या है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, तो ये वाला हिस्सा एंट्री सेक्शन कहलाएगा और बाकी सारा कोड जो है ये आपका रिमाइंडर सेक्शन कहलाएगा, जहां से आपने इसके अंदर आना है। ये देखिए जी, ये आपका एंट्री सेक्शन है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ से आप इस सेक्शन से बाहर चले गए, बाकी जितना भी आपका कोड है वो आपका रिमाइंडर सेक्शन है जी। इसका हल क्या है जी, पहला हल म्यूचुअल एक्सक्लूशन है, दूसरा प्रोग्रेस है, तीसरा बाउंडेड वेटिंग है। ये तीन हल हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या कहलाता है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ही एक वक्त में इसे यूज करे, दूसरा कर ही ना सके। समझ आ रही है, अगर ये इसे यूज कर रहा है तो ये दोनों वेट करते रहे, उस वक्त तक नहीं यूज कर सकते जब तक कोई इसे यूज कर रहा है। एक सॉल्यूशन तो इसका ये है, ठीक है जी। दूसरा सॉल्यूशन इसका है प्रोग्रेस का, कि आप देखें कि आपका जो प्रोसेस रन कर रहा है वो प्रोसेस इस वक्त रिमाइंडर सेक्शन के अंदर है या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो शर्त लगा दें कि जब तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा उस वक्त तक जो है रिमाइंडर वाले जो हैं या क्रिटिकल वाले जो हैं वो उसे रिलीज नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि बाउंडेड बाउंड एग्जिस्ट ए बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर, कि इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो कितनी दफा एंट्री सेक्शन में एंटर होकर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का। पहला प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन, उसके सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, और इन तीनों की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी क्रिटिकल सेक्शन के दूसरे जो सॉल्यूशन है, टू वे टू प्रोसेस आ गया, प्रोसेस सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नंबर वन इसके अंदर है जी अप्रोच वन, इसके अंदर क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल टर्न के नाम का इंट्रोड्यूस करवा दो और उसकी वैल्यू जो है वो जीरो या वन हो जाए, जो प्रोसेस ले रहा है वो उसकी वैल्यू को वन करे और जब जाने लगे तो उसकी वैल्यू को जीरो कर दे। एक तरीका ये है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन को अटेन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि बूलियन फ्लैग वेरिएबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, उसकी पहले वैल्यू जो है वो फॉल्स हो, जब जो है इंडिकेट करे प्रोसेस टू रेडी, जैसे ही उसकी वैल्यू जो है अगर उसकी वैल्यू ट्रू हो जाए तो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उतनी देर तक कोई भी प्रोसेस, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है जिसकी वो फ्लैग वैल्यू है, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि एक जितने प्रोसेस हैं उनकी फ्लैग वैल्यू है और उनकी फ्लैग वैल्यू जो है जब तक फॉल्स होगी तो वो एंट्री में एंट्री नहीं कर सकेंगे और जब उनकी ट्रू हो जाएगी तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया, ये देखें जी। और तीसरा मैकेनिज्म उन्होंने ये बताया कि ये दोनों तरीके यूज किए जाएं, बुलियन वेरिएबल भी यूज किया जाए और जो टर्न वेरिएबल है इसको भी यूज किया जाए ताकि मजीद बेहतर हो जाए। बुलियन एरे ऑफ फ्लैग इसको सारी को फॉल्स कर दो, टर्न वेरिएबल को आप जीरो या वन कर दो, ठीक है। अब ये चीज ना आपने, ये हैंडआउट्स जब आपके साथ शेयर हो जाएंगे तो ये काइंडली आपने ना जो कंडीशंस है ना ये खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं जस्ट आपके साथ तरीके शेयर कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने कहा ना पिछले में, तो मैंने बता दिया आपको कि जी जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी तो प्रोसेस जो है वो एंटर नहीं हो सकता, जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। इन दोनों की क्या शरायत है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की, ये काइंडली आपने पढ़ लेनी है, यहाँ कहीं ये लिखी होंगी, ठीक है। दूसरा हल जो इसके अंदर है, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी इसका मौजूद है, उसका नाम है TSL, ठीक है जी, टेस्ट एंड सेट लॉक मैकेनिज्म जी। ये भी हमारे पास वेरिएबल है, यानी वहां दो वेरिएबल थे, यहाँ मैकेनिज्म को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दी गई है टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब ये जेन में रख लें, अभी हम एक प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन टर्न वेरिएबल के साथ, फ्लैग वेरिएबल के साथ, म्यूचुअल एक्सक्लूशन के साथ, ठीक है, और प्रोग्रेस को ट्रैक करके ये सारी चीजें उसी की चल रही है। TSL जो है ये भी एक सॉल्यूशन है
जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है हार्ड सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ये हार्डवेयर सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी होते हैं, ये सारे आपने पढ़ने। अगर आप इसको अलहदा से गूगल करोगे ना ऐसे, यानी यहाँ पे आके हम लिखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी, ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफिकली इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। आप स्पेसिफिकली भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही एक बात बताई थी कि हमारा मकसद है इन इन टॉपिक्स को कवर करना, क्योंकि मेरे लिए मुझे आसान लगता है ये हैंडआउट्स जिसके अंदर सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। आप इनको अपनी मर्जी से गूगल करके भी प्रिसाइसली पढ़ सकते हैं, और फिर आपने देखा कि जो चीज़ वहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स लगती है वो मैं आपके साथ जो है ना वो यहाँ पे आके भी शेयर करता हूँ, ट्यूटोरियल पॉइंट से शेयर कर दिया। ये देखें, ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर मौजूद है और इसके अंदर सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। अभी हम सेमाफोर के ऊपर जाएंगे जी, ठीक है, और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन अगला है यानी TSL के बाद, वो है हमारे पास हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है वो जो सबसे पहला सॉल्यूशन है उसका नाम है सेमाफोर। इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। सेमाफोर हार्डवेयर सॉल्यूशन है। सेमाफोर को S कहा जाता है, इसके एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। सेमाफोर के साथ दो जो हैं वो प्रोसेस जो हैं वो अटैच होते हैं, दो ऑपरेशन। एक ऑपरेशन को P कहा जाता है, ये वेट कहलाता है। एक को V कहा जाता है, ये सिग्नल कहलाता है, ठीक है। P वैल्यू को इस S की वैल्यू को जो है ना वो सेट किया जाता है और चेंज किया जाता है और तब्दील किया जाता है टू हैंडल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जैसे ये देखें, वेट ऑफ S मीन्स सेमाफोर, और इसमें क्या करता है ये देखें, ये लिखा हुआ है। वेट प्रोसेस क्या करता है कि ये S की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू जीरो होती है उसकी वैल्यू को ये डिक्रीमेंट कर देता है, और सिग्नल प्रोसेस वे ऑपरेशन क्या करता है कि S की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। बाकी कंडीशंस इसकी क्या है ये आपने पढ़ लेनी है जी, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन के ऊपर सेमाफोर काम करता है वो बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूशन ही होती है। सेमाफोर्स भी इस बात को एंश्योर करता है कि एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोसेस कंकरेंटली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकते। इसे म्यूटेक्स भी कहा जाता है जब हम बात करते हैं सेमाफोर के रेफरेंस के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा जी, सेमाफोर का एक डिसएडवांटेज है जिसे हम बिजी वेटिंग भी कहते हैं, कि अगर एक प्रोसेस जो है उसके पास, ये वही वाला है जैसे वो प्रोसेस वाला, एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है तो उसने दूसरे को कभी भी एंटर नहीं होने देना, वो कंटिन्यूसली लूप के अंदर मौजूद रहेगा और वो अपने आप को स्पिन लॉक सिचुएशन में ले जाएगा। स्पिन लॉक क्या है? दिस टाइप ऑफ सेमाफोर इज कॉल्ड स्पिन लॉक। जो दूसरे को एंटर नहीं होने देता उस वक्त तक जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन को या उसको कंप्लीट नहीं कर लेता, ऐसे सेमाफोर को हम स्पिन लॉक सेमाफोर जो है ना वो कहते हैं, और ये सिचुएशन जो है ये बिजी वेटिंग सिचुएशन कहलाती है जी, ठीक है। ओके जी, सेमाफोर का जो दूसरा सॉल्यूशन है ये आगे जी, प्रॉब्लम्स विद द सेमाफोर पावरफुल टूल है। वेट एस ऑपरेशन जो है वो स्कैटर्ड होते हैं जैसे जैसे प्रोसेसेस की तादाद बढ़ जाती है, यानी 5, 6, 7, 10 प्रोसेस अगर काम कर रहे हैं तो कहीं पे वेट चल रहा है, कहीं पे सिग्नल चल रहा है, तो वो तरतीब जो है ना वो बढ़ जाती है, और अगर उसमें से कोई एक प्रोसेस भी मेलिशियस हो या फेल हो जाए तो आपका पूरा जो CPU की शेड्यूलिंग है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है जी, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है जी इसका, इसके अलावा वो है हमारे पास मॉनिटर्स के नाम से ना। सेमाफोर की एग्जाम काउंटिंग सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर वो है जिसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हम देख रहे हैं ना एस प्लस प्लस हो रहा है या एस माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन जो बाइनरी सेमाफोर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, वो 1 से जो है ना वो स्मॉल ही वैल्यू वो रहेगी, ग्रेटर देन 1 जो है ना वो वैल्यू नहीं हो सकती। इस ये सेमाफोर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो एक और चीज आती है, मुख्तलिफ जगह पे लिखी हुई है, किसी जगह पे नहीं लिखी हुई, वो है मॉनिटर्स। यानी जिस तरह सेमाफोर एक सॉल्यूशन है, इसी तरह मॉनिटर्स भी जो है ना ये एक खास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो सॉल्यूशन के तौर पे पेश किए जाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजन है, और क्रिटिकल रीजन के साथ मैंने यहाँ पे कहीं देखा था, ये देखें जी मॉनिटर। अनदर हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट इज टाइप
मॉनिटर करेक्टराइज बाय लोकल डाटा एंड सेट ऑफ प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, ये उसी तरह काम करता है जिस तरह सेमाफोर्स काम करते हैं। सेमाफोर जो है वो एस वेरिएबल था, इंटीजर वैल्यू थी और उसके ऑपरेशन थे सिग्नल और वेट के। इसी तरह मॉनिटर जो है इसके पास भी लोकल डाटा होता है और उसके बाद इसके अपने फंक्शंस होते हैं जो उस लोकल डाटा के ऊपर काम करते हैं, और ये भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए या उनसे बचने के लिए ही हम यूज करते हैं जी। डेडलॉक की तारीफ आपको आनी चाहिए जी, ठीक है। और डेडलॉक की चार कंडीशंस होती हैं जी हमारे पास। नंबर वन म्यूचुअल एक्सक्लूशन है जी, अगर एक प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट हो गया है तो एक वक्त में एक ही एलोकेट होगा, और अब इसको एलोकेट हुआ हुआ है ये रिसोर्स और ये वेट कर रहा है किसी और का, ठीक है। अगर ये शर्त हो तो डेडलॉक होगा, होल्ड एंड वेट, एक को उसने होल्ड किया हुआ है दूसरे का वो वेट कर रहा है, ये अगर कंडीशन है तो तब भी आपका डेडलॉक अकर करेगा। दूसरे का नाम है होल्ड वेट। नो प्रीएम्पशन, अगर ये कंडीशन इसके अंदर आ गई है कि एक प्रोसेस जो है वो उसको प्रीएम्प्ट करके किसी भी रिसोर्स की एलोकेशन को छुड़वाया नहीं जा सकता, यानी रिलीज नहीं करवाया जा सकता। अगर P2 जो है वो P1 और रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि प्रीएम्प्शन नहीं हो रही, तो तब भी आपके पास डेडलॉक अकर हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आपके पास P1 जो है उसके पास रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 1 जो है इसने रिक्वेस्ट की हुई है, ये एलोकेट हुआ हुआ है P2 को, P2 ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स 2 की और वो एलोकेट हुआ हुआ है P1। ये जो सर्कुलर वेट है ये एक से ज्यादा पर भी मुश्तमिल है। P1 के पास जो है P1 के पास जो है वो रिसोर्स R1 है और वो रिसोर्स R2 के लिए वेट कर रहा है। जो P2 है उसके पास रिसोर्स R2 है और वो R3 के लिए वेट कर रहा है। P3 जो है उसके पास रिसोर्स जो है वो R3 है और वो R1 के लिए वेट कर रहा है। जब इस तरह करके एक सर्कल आपके पास बन जाएगा, सर्कुलर वेट, ये चार कंडीशंस होती हैं जी डेडलॉक की। म्यूचुअल एक्सक्लूशन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीएम्प्शन एंड सर्कुलर वेट क्या होती हैं ये मैंने आपको बयान कर दी। और इसके बाद डेडलॉक को बचने के ये तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, डिटेक्ट करना है कहाँ पे, सिंपल रिसोर्स शेड्यूलर की मदद से, रिसोर्स ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यह है कि ऐसे मेजर्स किए जाएं कि डेडलॉक आए ना, प्रिवेंशन, ये दूसरी टेक्निक है। और तीसरा तरीका इसका सिर्फ ये है, इट इज बेटर टू अवॉइड अ डेडलॉक रेदर देन टेक मेजर्स, अवॉइड द डेडलॉक हैज अकर्ड, के इसको अवॉइड करना चाहिए जिस तरह भी आपके पास मौजूद हो। आप चाहें तो डिटेक्शन की बजाय, प्रिवेंशन की बजाय आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। यही तरीके हैं, जितनी भी आप बुक्स देखेंगे पूरा डेडलॉक का टॉपिक है ये। उसके बाद आप देखें जो है ना वो, अगर आप ये ट्यूटोरियल पॉइंट ही है ना, अच्छा ये देखें हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाएंगे तो आपका टॉपिक जो है ना वो चेंज हो चुका होगा जी, ठीक है। तो डेडलॉक के बारे में आपको यही पता होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था ना वो हमने तकरीबन इसका पढ़ लिया हुआ है। अब इसमें जो सब